सर एक बार आप क्वेश्चन रीड कर दीजिए। हाँ रीड कर रहा हूं, मैं पूरा बता रहा हूं। बच्चा एक ब्लॉक है 2A मास का, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक पार्टिकल है। सार्थक सुन पा रहे हो? आज दोनों सार्थक कनेक्टेड है। हाँ सर, ये सवाल किया है क्या सार्थक तूने? डाउट है सर। डाउट है। 4.5 mg/k। बच्चों सवाल ऐसा है कि ये 2m मास का एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में है। एक पार्टिकल m मास का यहां से ड्रॉप किया है, ठीक। अब जब ये इसको हिट करेगा, हिट करने के बाद शायद इन इलास्टिक कोलिजन होगा, स्टिक टू द प्लेट। पार्टिकल स्टिक टू द प्लेट। तो कैन यू फाइंड कि जस्ट आफ्टर व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इट स्ट्राइक? कौन कौन बच्चा निकालेगा और क्या कंसेप्ट होगा वेलोसिटी निकालने का? मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन। जस्ट बिफोर इस बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? √2mg/h। एच कितना है? 4.5 का मतलब 9/2 mg/k। एम आई राइट बच्चों? दिस इज द वेलोसिटी ना? नहीं सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने? अब सही है। 2gh, ये 2 2 गया तो क्या आ जाएगा? 3g भी बाहर, √m/k। अब सही लिखा क्या? वेलोसिटी जस्ट बिफोर बच्चों क्या सही लिखा क्या? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर, ये तो काइनेमेटिक्स है, हमने कुछ नहीं किया इसमें। बट मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर, ये वी नॉट लिख लेता हूं। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कहोगे सर ये क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो? इनिशियल मोमेंटम एम बी, बाद में हो जाएगा 3mv' या एम वी नॉट। सो वी इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बाय 3, दैट इज इक्वल टू जी ओवर 3, 3 चला गया, जी ओवर एम बाई के। हमने क्या सॉल्व कर लिया? जब पार्टिकल स्ट्राइक किया इसको तो उस समय जस्ट आफ्टर ये इतने वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। हर्ष बड़े, कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं बच्चों, अब कहोगे सर ये सवाल है क्या, पहले ये तो बता दो, ये सब तो हम कर ही लेंगे। बच्चों सवाल ये है, द पार्टिकल स्टिक टू द प्लेट नेग्लेक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टिक टू द प्लेट टू द टाइम व्हेन स्प्रिंग इज इन मैक्सिमम कंप्रेशन। मतलब कोलिजन्स के बाद ये कब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आएगा, ये टाइम निकालना है टी नॉट। और ये बच्चों जनरली ना बड़ा अच्छा सवाल है और ये डाउट पूछता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो पहले तो ये सवाल क्लियर कर लो, बिकॉज मैंने पूरा बताया नहीं सही से, शॉर्टकट में बताया है। शुभम एक बार और सवाल रिपीट कर दूं? नहीं सर समझे। बच्चों एक कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, सिंपल सा एक पार्टिकल है जिसको मास को ड्रॉप किया, ये स्टिक किया, स्टिक करने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, एक समय आकर के इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो यहां से आने का टाइम क्या है ये निकालना है।
और हमने कुछ बेस ऑलरेडी तैयार कर दिया. क्या तैयार किया कि जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास वेलोसिटी क्या है ये निकाल दिया. क्लियर? एक चीज बताना बच्चों, ये ना एसएचएम करेगा. अगर एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा और ये कौन बताएगा? निशांत ठाकुर बताएगा. अगर ये एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा बताना. कि सर आपने सही लिखा 2π√3m/k, क्या सही लिखा? यस सर. यस सर, एकदम सही लिखा. अब मुझे बताना कि ये अभी एसएचएम कर रहा है, इसका मेन पोजीशन कौन सा है? क्या ये अभी जो इक्विलिब्रियम, क्या अभी ये मेन पोजीशन है क्या इस एसएचएम का? नहीं सर. मेन पोजीशन बच्चों ये नहीं है. मेन पोजीशन का मतलब होता है जहां पे नेट फोर्स जीरो, क्योंकि इसका मास एम हो गया है. तो मेन पोजीशन में बच्चों स्प्रिंग रहेगा, टोटल कितना कंप्रेस रहेगा? 3mg/k से कंप्रेस रहेगा. क्या ये बात क्लियरली समझ में आई? अभी टीज करू जीरो पे ये कितना है कंप्रेशन? 2mg/k. मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितना ऊपर है? mg/k ऊपर है अभी, है ना. अब अगर मैं पूछूं कि बताओ कि ये जब आएगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ये तो टाइम पूछा है. मैं तो पहले पूछ देता हूं व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, कितने टाइम में होगा तो बाद में देखेंगे. बच्चों हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं इसको. कैन वी फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन? हाँ सर. मतलब कहने का मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे और कितना आएगा. मान लो ये ए आता है, मुझे ए निकालना. ओके, सो हमने अपने टारगेट को थोड़ा चेंज कर दिया. मैंने पूछा कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ए निकालना है मुझे. क्योंकि सर बहुत ही सिंपल सा है, अगर ये ए एम्पलीट्यूड के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है और मुझे यहाँ पे पता है इसका वेलोसिटी क्या है, तो देखना एक फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है जो एसएचएम में सबसे पहले पढ़ते हैं. वी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्या ये फॉर्मूला हमें ए निकालने में हेल्प करेगा क्या इस सिचुएशन के लिए? इस समय हमें अभी वेलोसिटी क्या पता है, क्या हमने निकाल लिया क्या? कहोगे यस सर, ये वेलोसिटी पता है. ओमेगा पता है क्या? कहोगे यस सर. एक्स पता है क्या? यस सर. एक्स कितना है? mg/k. तो क्या ए निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि तो अभी वेलोसिटी निकाल लिया बच्चों. ये तो बहुत अच्छा सवाल ये भी हो जाता है कि ये मैक्सिमम कितना दूर जाएगा, और ये मैक्सिमम कितना दूर जाएगा ये निकालने के लिए एसएचएम की जरूरत नहीं है सर, हम वर्क पावर एनर्जी से भी निकाल सकते हैं. एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है सारा पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा. लेकिन कुछ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन और स्प्रिंग दोनों में जाएगा. एसएचएम से करते तो थोड़ा आसान हो गया. देखो ये सब फॉर्मूला में बैठा के निकाल लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. v कितना है? g रूट अंडर m by k. ओमेगा कितना है बच्चों? रूट ओवर 3m/k. am I right? sorry, k/3m ना? k/3. रूट ओवर k/3. रूट ओवर ए स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर mg/k का स्क्वायर, है ना. स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा. स्टार्ट.
कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा? तो इसको इधर लेके आ जाओ, स्क्वायर कर दो, g इंटू एम एम बाई के, दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो भी है, एम जी बाई के का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, लिख लो, स्क्वायर कर देते हैं तो 3 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो ए बच्चों आ जाएगा 2 एम जी बाई के, क्लियर? ये बड़ा अच्छा सा डेटा सेट किया हुआ है ना। अब देखो ये बोर्ड पे बहुत सारी चीज लिख दी है, बट शायद अगर तुम ध्यान से सुन रहे होगे तो सब क्लियर है। इसको बोर्ड को मैं रब ही कर देता हूं। पांच पार्ट ये क्लियर हुआ क्या? जितना अभी हमने बताया, क्या क्या बताया रिपीट कर देता हूं। बच्चों अभी ये इक्विलिब्रियम है, इसका मास 2m है, ये मास m मास का सर्टेन हाइट से गिरा है, इसको स्ट्राइक किया, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन और दिस इज द मैक्सिमम एलॉन्गेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन। सो स्प्रिंग का अगर x मैक्स पूछा जाए तो यहां पे 2mg by k कंप्रेस था, mg by k और गया, 3mg by k और गया 2mg by k, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो गया 5mg by k। दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन यहां तक है, बट इसने तो पूछ दिया है टाइम, यहां से यहां आने का टाइम। तुम कहते हो सर अगर आपने यहां से यहां जाने का टाइम पूछते ना तो हमें दिक्कत नहीं होती, तो यहां से यहां जाने का टाइम कितना है, टी बाई, देखो बच्चों सॉल्व हो गया, अंकित सिंह कुछ स्ट्राइक किया, ईशान जामरे शायद यहां से यहां जाने का टाइम पूछ रहा है, यहां से यहां जाने का टाइम पता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम कितना होगा टी बाई फोर। शुभम सार्थक सोनावने कोई नहीं बोला है, कोई आंसर नहीं कर रहा, क्या हो गया, कोई तो बोलो। अगर यहां से यहां का टाइम निकल जाएगा तो हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो ये टाइम हाँ, जो हो जाएगा अगर सपोज ये t1 है तो t1 प्लस t by 4, कोई बता सकता है t1 कितना है? मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। देखो बच्चों ये a कितना है 2 mg by k का ऑसिलेट कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना है mg by k, दैट मींस ये कुछ ऐसा सवाल नहीं है कि जीरो से a by 2 जाने में कितना टाइम लगता है, इज इट t by 8 या t by 12 या t by 6? t by 12, t by 12। शुभम ये क्लियर है क्या, ये t by 12 कैसे आता है? ये मैंने पढ़ाया है, वी रिसेंटली पढ़ाया है, अनिकेत को भी क्लियर होगा। सो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, शायद t by 3 आ जाएगा। सो आंसर इज t by 3, t का मतलब कितना है 2 पाई रूट अंडर बाई k इंटू 1/3। इसका मतलब कोई बच्चा देखो तो पीछे आंसर क्या मैच किया मैंने, सही सही सॉल्व किया क्या? जे बैच जिसने सिंसियरली एसएचएम किया है, क्या कोई ऐसा कंसेप्ट इसमें है जो तुम्हें नहीं आता है?
इस पूरे सवाल में? चेतना तू तो बहुत सिंसियर है, क्या इस सवाल में कोई ऐसा कंसेप्ट था कि नहीं आता है? सर नहीं सर। हाँ ईशान तूने नहीं पढ़ा, तुम्हारे बैच में तो पढ़ाई नहीं हुआ, तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, तब भी बोलो ईशान। सर पीछे आंसर थ्री दिया है। थ्री मतलब क्या है? यहाँ मैच नहीं कर रहा है? सिंपलीफाई करने से आता है सही। मैच कर रहा है सर, वो थ्री अंदर ले। हाँ इसको अंदर ले लो ना, ये नाइन हो जाएगा और ये गया, थ्री हो जाएगा। सही तो है, अंदर में दिया। ए का वैल्यू थ्री है। और शुभम ये क्लियर हुआ क्या सारा कंसेप्ट? शुभम आवाज नहीं क्लियर आई। एनीवे बच्चों इस सवाल को ना मैं थ्री स्टार दूंगा या इवन फोर स्टार, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस बुकलेट, वन ऑफ द बेस्ट। इसमें बच्चे गलती करते हैं। और एक सवाल तो बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट सवाल है, वो बेस्ट सवाल ले लूं या बाद में लूं? बोलो बेस्ट ही ले लूं पहले? हाँ सर। हाँ क्योंकि कुछ लोगों को खाना खाने जाना होगा, किसी को मम्मी बुला रही होगी, बेटा क्या कैसे सर करते हैं 9 बजे बुला लेते हैं, क्या है ये? किसी की मम्मी बताए ये क्या है, मतलब कभी बुला लेते हैं पढ़ाने के लिए? नहीं सर। नहीं जल्दी खा लिया सर, जल्दी खा लिया। अच्छा पता है तुम लोग आईआईटी में भी ऐसे होता है, आईआईटी में जो प्रोफेसर होते हैं ना, जाओगे ना आईआईटी में, हालांकि वहां पे बच्चे सोते नहीं है, रात भर जगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो प्रोफेसर को भी पता होता है बच्चे सोते नहीं है, तो वो भी मस्ती करते हैं, रात में 12 बजे से लेक्चर चलता है, 12 बजे से 3 बजे तक चल रहा है। मेरे प्रोफेसर थे वो तो ऐसे किया था कि लैब में काम करने के लिए दिया, रात में वो काम कर रहा है कि नहीं, वो वहां पे जो रहता था उससे पूछते थे, वो बच्चा आया था कितने बजे गया रात में, 3 बजे गया, 4 बजे गया। आईआईटी रात भर जगता है, कभी बंद ही नहीं होता। चलो एनीवे बट तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि रात भर जगने का आदत बनाओ, अभी तो हमें पढ़ना है, 12 बजे तक सो जाना है, ठीक है? और मैं 12 बजे बुलाऊंगा भी नहीं। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, वन ऑफ द बेस्ट सवाल जो जेई पूछा है, मेरे हिसाब से ले रहा हूं, ठीक है? तुम लोग याद करना कि सर क्या बताया था। ये ले रहा हूं बच्चों जेई किस साल पूछा है, 2011 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 बुकलेट का पेज नंबर 44। दिखाइए ये सवाल, किसी ने किया है अभी तक? हाँ सर कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मतलब तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार ये कर लिया था। बच्चों दो डिस्क है, दो केसेस लिया, एक डिस्क है जो इसके अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, एंड एक दूसरा डिस्क है जिसको ना यहाँ पे बेलनिंग कर दिया, मतलब ये रोटेट नहीं कर सकता इसके रिस्पेक्ट में, ठीक? मेरे पास अलग कलर है बट मुझे पता चला कि कलर तो दिखता नहीं, तो बच्चों मैं एक मिनट रेड डॉट ये कर देता हूं, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको ना हिंज कर दिया, यहां भी यहां भी, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट नहीं कर सकता और ये इसमें रोटेट कर सकता, दो केसेस ले रहा हूं, और ये ऐसे इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है,
मैं एक सिंपल सा केस कर रहा हूं बच्चों कि देखो इसमें फिक्स और इसमें फिक्स नहीं, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, फ्रीली रोटेट अबाउट एक्सल एंड दिस इज फिक्स्ड। जब मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं तो किस डिस्क का, दिस इज डिस्क वन, दिस इज डिस्क टू, किस डिस्क का मोशन प्योर रोटेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल होगा? अगर हमने ऐसा डिस्क लिया है, एक में फिक्स कर दिया और एक में फ्रीली मूव कर सकता है, और ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा हूं इसको भी तो किस डिस्क का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल है? फिक्स्ड वाले का, टू वन एंड टू में बताना है किस डिस्क का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। One. अभी तो तू टू बोल रही थी, इतना जल्दी बदल जाती है। मैंने वो नहीं बोला है। मैंने बोला, अच्छा अच्छा दोनों का, अच्छा दोनों का आवाज एक ही जैसा है, बहुत बढ़िया। जब चेतना ने टू बताई है और साइमा ने वन बताई है, इजंट इट? तो साइमा इज करेक्ट, वन इज प्योर ट्रांसलेशनल और टू कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन। सर कैसे, ये समझना बड़ा मुश्किल है, और इसको समझ में आ गया ना, मतलब उसको रोटेशंस का अच्छा नॉलेज हो गया। बच्चों मैं समझाता हूँ, बहुत ही बढ़िया सवाल, इसलिए मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सवाल है। सारे बच्चे देखना, शुभम तुम भी देखना, ये याद करो तो क्या मनीष सर ने सिखाया था। बच्चों ना मैंने इस पे एक ना ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे मतलब इस पॉइंट को नाम दे दिया, सपोज ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया, इसके जस्ट नीचे को बी, ये लाइन ए बी, यहां भी एक लाइन वैसा ही ड्रॉ करता हूं बच्चों, यहां भी ये है ए डैश और ये है बी डैश। इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, इधर ये फिक्स्ड है, तो न्यू सिचुएशन क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू सिचुएशन देखना। अब ये ऑफलाइन में बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, देखो तो ये ए डैश तो इसी के साथ चिपका रहेगा, तो ये रहेगा ए डैश बच्चों, ए डैश पॉइंट यहां रहेगा और बी डैश पॉइंट यहां रहेगा, एम आई राइट? तो जो देखो अभी चेतना और भी कुछ बच्चों ने बताया था, टू को बताया था प्योर ट्रांसलेशनल, देखो ए बी जो लाइन है अभी वर्टिकल है और बाद में ए बी लाइन इंक्लाइंड हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ। तो ये तो रोटेट कर रहा है, कहाँ प्योर ट्रांसलेशन है ना। दूसरी चीज, अगर मान लो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अभी, तो ये पॉइंट फिक्स है, इसका हो जाएगा ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस वेलोसिटी, और इसका हो जाएगा ओमेगा इंटू दिस, और इसका हो जाएगा ओमेगा इंटू दिस, डिफरेंट पार्टिकल विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स दिस इज नॉट इन प्योर ट्रांसलेशन, डिस्क का डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट वेलोसिटी से जाएगा। और ऐसे भी देखा, डिस्क का ये लाइन पहले वर्टिकल था, अभी इंक्लाइन हो गया, एंगल पे हो गया। अब कहोगे सर यहां बताओ यहां क्या होगा, यहां बच्चों ये लाइन ऐसा है ना, ये सिर्फ डिस्क पे कहां फोर्स लगा रहा है, ये वाला पार्ट, ये रॉड जो है डिस्क पे कहां लगा रहा है, सिर्फ सेंटर पे। क्या डिस्क में कोई रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा? No. Yeah. तो टॉर्क ही नहीं है, कहाँ टॉर्क लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है फोर्स, टॉर्क है ही नहीं। ए पॉइंट यहाँ, यहाँ भी ए पॉइंट रहेगा बच्चों, और ये बी यहाँ ही रहेगा, ए बी ऐसे रहेगा, ए बी जितना डिस्प्लेसमेंट ए का हुआ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी का हुआ है, पूरा का पूरा डिस्क ऐसे जाए, देखना बच्चों ये डिस्क है, ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे समझ में आता है, दिस इज द डिस्क, दिस इज मूविंग लाइक दिस, सॉरी ऐसे थोड़ा ऊपर जा रहा है, लुक एट द फिंगर, माय फिंगर जो वर्टिकल है वो वर्टिकल है, जो इंक्लाइंड है वही है, गोइंग लाइक दिस,
इसका देखना ये कैसा मोशन है. लुक एट हियर, ये फिंगर टर्न कर रहा है मेरा. यस सर. दोनों का मोशन देखो. थोड़ा बुक से समझाता हूं, इसलिए मैं कहा कि ये इतना चाहिए. टीचर से बताते हैं समझाते हैं, बहुत सारे क्लियर नहीं होता. देख रहा बच्चों, दो टाइप का मोशन दिखा रहा हूं. ये लाइन देखो वर्टिकल है तो वर्टिकल ही है ना. और एक दूसरा मोशन यहां दिखाता हूं, ये रोटेट कर रहा है और ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सबको क्लियर हुआ क्या? यस सर. यस सर. हाँ सर. मतलब अगर मान लो अभी इस रॉड, अभी इसका एंगुलर वेलोसिटी रॉड का ओमेगा है, रॉड का ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू एल. सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल, तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल, इसका भी ओमेगा इंटू एल, इसका भी ओमेगा इंटू एल होगा कि नहीं? मतलब दिस कैन बी अज्यूम टू बी प्लेस्ड हियर एज ए पॉइंट मास. काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा ना. दिस डिस्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए पॉइंट मास प्लेस्ड हियर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो वही लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन है ही नहीं. इज इट क्लियर? अब बात करता हूं मैं. अच्छा, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बच्चों, इस डिस्क का और इस डिस्क का. ये डिस्क रोटेट कर रहा है, ये डिस्क पूरा जैसा डिस्क है वैसा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर. आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तो एक पार्टिकल जैसा है, ये भी रोटेट कर रहा है पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन यह पूरा डिस्क नहीं सिर्फ पॉइंट. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? सिर्फ एम डी स्क्वायर. या अगर मैं कहूं इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना है इस डिस्क का अभी, तो अगर सर हर पार्टिकल का वेलोसिटी ओमेगा इनटू एल है, क्या आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. इजंट इट? मतलब हाफ एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही आई है, यही मैं बता रहा था. अब बताना बच्चों, ये केस टू और ये केस वन, क्या तुम रियली में कन्विंस हुए कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस टू में आई टू है और केस वन में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है, तो क्या आई टू इज ग्रेटर देन आई वन है क्या? क्योंकि आई टू में एम डी स्क्वायर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, यहां पर सिंपली एम डी स्क्वायर. कोई बच्चा एक तो बताया, किसी को समझ में आया? जब मैं बेकार में इतना देर बोला. हाँ सर. दो बच्चों का प्रणव शायमा, क्लियर हुआ तुझे? पहले से क्लियर था? क्लियर क्लियर. शुभम क्लियर? हाँ सर. देखो एक कहानी मैंने, अब उस सवाल को तुम लोग खुद से पढ़ोगे देखोगे वो क्या है. उसमें ऐसा है कि टाइम पीरियड के बारे में पूछा है, दोनों केस में टाइम पीरियड क्या होगा, एक में जिसमें डिस्क फिक्स है और एक में जिसमें फ्रीली रोटेट करेगा. बच्चों लगता है जिसमें फ्रीली रोटेट करेगा लगेगा रोटेशनल मोशन इसमें होगा. बच्चों ये रॉड के रेस्पेक्ट में डिस्क रोटेट करता है. पहले ऐसे है तो ये पॉइंट लाइन वर्टिकल था, अभी भी वर्टिकल रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्क रोटेट कर जाए. तो डिस्क एक्चुअली नहीं रोटेट किया, रोटेट कौन सा किया है? रॉड. तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लगता है कि इसमें डिस्क रोटेट कर रहा है, रोटेट कौन सा कर रहा है? रॉड. और डिस्क क्या है? सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है. जब फिक्स रहता है
रॉड रोटेट कर रहा है, उसके साथ साथ डिस्क भी रोटेट कर रहा है। डिस्क रॉड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, रॉड के रेस्पेक्ट में उसका रोटेशन नहीं, ऐसा लगता है ना। तो बच्चों अगर मान लो पूछा जाए आप टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क की, तो ये mg, टॉर्क तो सेम ही रहेगा, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgl sin theta जो लिख लिखेंगे, तो टॉर्क विल बी सेम, टाउ इक्वल टू होता है i into अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ by i, टॉर्क सेम है i डिफरेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर निकाल लोगे, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों ये ना बेहतरीन सवाल है, जेई जो जितना अभी तक सवाल पूछा है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट सवाल मैकेनिक्स का, वन ऑफ द बेस्ट कहने का मतलब मान लो 20 क्वेश्चन चूज किया जाए मैकेनिक्स का, 10 क्वेश्चन चूज किया जाए मैकेनिक्स का अभी तक का पूछा हुआ, तो मैं तो इसको रखूंगा उसमें, बिकॉज ये जनरली समझ में नहीं आता है बच्चे का, टीचर्स को भी क्लियर नहीं होता। तो बच्चों इसको ना जाकर के सॉल्व करना, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला सवाल था। नेक्स्ट नेक्स्ट किसी ने कोई डाउट पूछा था, पहले उसके डाउट ले लेता हूं फिर मैं अपना सवाल करूंगा। अनिकेत तूने भी तो आरबीडी का वही सवाल भेजा था ना, जो ऊपर का भी था सर, ऊपर का भी था 32 नंबर का, 32 नंबर का क्या था, चलो रोटेशन का तो बुकलेट नहीं है, चलो इसका भी पूछ लो। एक सवाल और करा देता हूँ, टाइम भी हो रहा है 9:30 हो रहा है, एक सवाल और मुझे कराना है, देखते हैं तुम लोगों का आता है कि नहीं। बच्चों U इज इक्वल टू, देखना ये बड़ा अच्छा सवाल है, जनरली बुक्स में नहीं मिलता है, U इज इक्वल टू x माइनस ए का स्क्वायर x माइनस बी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी दिया है। सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना है, इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन किस किस एक्स पे है, पोजिशन क्या क्या है, पोजिशन बहुत ही सिंपल से है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और इक्विलिब्रियम पोजिशन के लिए क्या कंडीशन लिख लेंगे बच्चों, तो जल्दी से मुझे निकाल के बताओ इक्विलिब्रियम पोजिशन कौन कौन सा आ रहा है। एंड एक और चीज बता रहा हूं मैं बच्चों, ये यू वर्सेस एक्स ग्राफ है, और मैंने बहुत प्यार से समझाया था जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया था, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। U versus x में मैं चेंज कर रहा हूं, F versus x बना दिया, F versus x, x1 x2 x3 x4 क्या बताना है सर, f versus x ग्राफ है, वर्क पावर एनर्जी मैंने सबको पढ़ाया है, बहुत मन से पढ़ाया है, दिल से पढ़ाया है, बता दो कि कौन सा पॉइंट इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। x2 x2 अगर क्लासरूम में रहता है, डंडा रखता हूँ मैं पास में, x4 क्लासरूम में रहता है, अब तो और दो डंडे पड़ते हैं जो x4 बोलते हैं, x1 x2 वाले को तो थोड़ा सा माफ भी कर देते हैं सर, x1 और x3 सर, x1 और x3 पहले बताओ कि x1 और x3 क्लास किसके बीच में है, x1 ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया हुआ है, f वर्सेस x, f और x,
क्वेश्चन का क्या डेफिनेशन होता है, जहाँ फोर्स जीरो या एक्स टू पर हम शायद दो से ऑन हो गया बच्चों, यहाँ फोर्स वर्सेस तुम u वर्सेस x में कंफ्यूज कर गए, पहले मैं u वर्सेस x ही ड्रॉ कर रहा था। तो कह सकते हो कि x1 इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, x3 इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर ये पॉइंट x5 होता तो x5 इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इजंट इट? हां याद आया तुम लोगों को, नहीं याद आया? मैंने पढ़ाया यार। हाँ सर आया याद। U versus X और F versus X, ये भी बताया था कि गलती करते हैं बच्चे, हर टीचर हर बुक में U versus X दिया रहता है, बच्चे भी वहीं तक समझ जाते हैं। अब बताना X1 and X3 are equilibrium position, कौन सा stable equilibrium है? X1. X1. आप समझ में, आप confidence answer आए, X1 is equilibrium position, good, very good। चलो बच्चों तो हमारा काम हो गया, हमने hint दे दिया है। बच्चों ये u वर्सेस x ग्राफ है, बताओ ये पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा पॉइंट है? पहले इक्विलिब्रियम पोजीशंस बताना है और बाद में स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है। प्रोफेसर फोर्स जीरो कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो जाएगा, यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो, और एक्स माइनस ए माइनस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स माइनस ए माइनस बी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। मुझे लगता है यही आएगा, डिफरेंशिएट कर लो, मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया। सो यहां से बताओ बच्चों कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सा आएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, तीन इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहे हैं, A and B are positive. So A B, मान लो A B is greater than A, ऐसे ले रहा हूं, यहां B है और ये हो जाएगा A plus B by 2, जो बीच में हो जाएगा। अगर मैं फोर्स लिखूं बच्चों तो यहाँ पे तो शायद एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो माइनस दिस होगा, तो क्या फोर्स का अगर हम लोग कहें कि एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, जीरो जीरो जीरो, तो ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव और ये निगेटिव, कितने हो जाएंगे? क्या मैं ऐसा ड्रॉ करूं एफ वर्सेस एक्स, इसका ग्राफ रफली मैं ऐसा ड्रॉ करूं बच्चों, इधर है पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, ऐसा ग्राफ है क्या? एक्स जब बहुत बड़ा है माइनस आए तो निगेटिव, दिस इज द ग्राफ एफ वर्सेस एक्स का। Yes, हाँ। नहीं कॉन्फिडेंस से बताओगे तो बीएस में सर को शिकायत कर देंगे बच्चे आता है सर। ये तो मैं भी बता देता हूँ। तो बच्चों इसमें बताओ कि कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है? सर ए ए प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल ए और बी, ए और बी मतलब अगर कोई दे दिया जाए कि ये यू ये ग्राफ मतलब यू इज इक्वल टू इतना है ना, तो कहेगा पार्टिकल किस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट कर सकता है,
किस पॉइंट पे अबाउट, अगर ऑसिलेशन होना है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट लेगा। तो अगर x यहां पे है, a पे है बच्चों, तो यहां पे नेट फोर्स जीरो, थोड़ा सा इसको वेलोसिटी मिल गया, इधर चला गया, इधर जाएगा फोर्स इधर लगेगा, वापस आ गया, इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ये x इज इक्वल टू a के अबाउट ऑसिलेट करेगा, x इज इक्वल टू b के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ये लिख लो तुम लोग, इतना डेप्थ में कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं। इट विल ऑसिलेट about x is equal to a और x is equal to b। मान लो x is equal to a पर थोड़ा सा displace कर दिया बच्चों, थोड़ा सा displace कर दिया, छोड़ दिया, what is the omega oscillation का from x is equal to a, particle is displaced slightly, what will be omega of the oscillation, क्या ये सेचन होगा, पहले तो ये प्रूफ करना है, समझा क्या बच्चों? हाँ सर, समझा बच्चों? हाँ, तो मैं बताता हूँ, देखो इसको कैसे करते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें बुक्स में मिलेंगे भी नहीं, मेरा डेवलप किया हुआ। कैसे निकालेंगे कि अगर x इज इक्वल टू a पे है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा, मतलब थोड़ा सा का मतलब इसको ना मैं x डैश निकाल लेता हूँ, x डैश मतलब पार्टिकल यहां पे, यहां से x डैश डिस्टेंस, That means x के जगह पे क्या लिखूंगा, x dash plus a, can we write this? Yes sir. Particle को यहां से थोड़ा सा distance x dash shift कर दिया तो ये होगा। Force का equation अभी अभी क्या लिखा था बच्चों, देख लेना, force का equation था शायद minus 2 x minus a x minus b x minus नहीं 2x माइनस ए माइनस बी, यही था ना फोर्स का इक्वेशन। मैं बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा x इज इक्वल टू x डैश प्लस ए, x के जगह पर पुट कर देता हूं माइनस टू x डैश प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x डैश, ये क्या हो जाएगा x dash plus a, ये क्या हो जाएगा a minus b, ये क्या हो जाएगा x dash plus a। अच्छा ये a minus b क्यों पुट कर दिया, बिकॉज ये a minus b plus x dash है ना, अब a minus b के कंपेरिजन में x dash क्या है, बहुत छोटा, हमने बहुत छोटा कहा है, कैन वी नेगलेक्ट दिस, a minus b लिख सकते हैं और इसको भी a minus b लिख सकते हैं क्या, स्क्रीन फ्रीज हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गया, इसको भी कितना लिख सकते हैं बच्चों, a माइनस बी, किसी को क्लियर हुआ क्या, जिसको स्क्रीन दिख रहा है यार, एक्स डैश एक्स को लिख देंगे, एक्स को लिखेंगे एक्स डैश प्लस ए माइनस बी, x dash तो negligible है, तो 2a minus a हो जाएगा a minus b plus 2x dash, इसके comparison में बहुत छोटा है a minus b, तो क्या formula आ गया बच्चों, minus 2 a minus b का square into x dash, this is the force। क्या ये पता चल रहा है कि ये force जो है displacement के opposite है, क्या अपने आप आ रहा है displacement के minus sign के साथ है, displacement के proportional है, लेकिन कब है, जब x dash बहुत छोटा है, जब x dash बड़ा रहेगा तो ये neglect नहीं करेंगे, बहुत ही complicated function होगा। So what is omega square बच्चों? What is omega square? 2 a minus b का square divided by m। क्लियर? और अगर तुम इसके अबाउट भी निकालोगे ना, इसके अबाउट भी, तो यही आएगा,
और अब आ रहा है कहानी में ट्विस्ट। सपोज मैंने इतना पढ़ा दिया, आईआईटी जब सवाल दिया तो बच्चों दे देगा ऐसे, यू इज इक्वल टू ये पूछेगा अपने स्टेबल, वो नहीं बताएगा कौन सा, कहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, इट विल वाइब्रेट, इट विल परफॉर्म एसएचएम, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा वेरिएशन का, क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम अभी भी ए और बी रहेगा या चेंज हो जाएगा, ये ग्राफी उल्टा हो जाएगा ना, ये स्टेबल हो जाएगा उसके इसमें माइनस रहेगा, और ये तुम्हारा होमवर्क रहा। सर क्या क्वेश्चन पूछा वापस रिपीट कीजिए। अच्छा सवाल नहीं क्लियर हुआ, पहला वाला क्लियर था ना जो इतना देर से हम आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं शाम। हाँ सर। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल ये पूछा है साइमा कि पहले हमने ये दिया था U, अब क्या करूंगा U इज इक्वल टू ये दे दूंगा, माइनस लगा दिया, अब मैं कहूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस के अबाउट ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इट परफॉर्म SHM, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ सर समझ गए। तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये और ये अनस्टेबल हो जाएगा, जस्ट ग्राफ उल्टा हो जाएगा। आई होप कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ लिए तुम लोगों ने। चलो तीन चार लोग तो खाना खाने चले गए, 20 का स्ट्रेंथ था 16 हो गया है। बच्चों मैं स्टॉप करूं क्या? यस।